नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट का सेक्शन 50 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो अगर इसको हम इस हेडिंग को ऐसा कर लें कि नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, तो पूरा सेंस इस सेक्शन का मिल जाएगा। तो देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि जो राज्य सरकार है अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लिए, मतलब एमपी अकोमोडेशन एक्ट 1961 के लिए नियम बना सकती है। अब ऐसे नियम बनाएगी तो उसे क्या करेगी, इसके साथ हम सेक्शन जो सब क्लॉज 3 है उसको भी पढ़ेंगे कि जो ऐसा यहाँ पर इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम को कहाँ रखा जाएगा, विधानसभा के पटल पर ऐसे जो नियम बनाए जाएंगे उनको रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार की यहाँ पर नियम बना सकती है राज्य सरकार। पहली बात तो ये कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार नियम बना सकती है। ठीक है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उनको कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार को लगता है कोई नियम बनाने की आवश्यकता है तो वह ऐसे नियम बना सकती है और उसे क्या करेगी, विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे ऐसे नियम जो बनाए जाएंगे। अब नियम कौन कौन बातों पर बना सकती है, तो ये दूसरा बताता है कि विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब जो विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति है उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, उसको प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में से समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए वो बंद हो सकेंगे। मतलब विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर, मतलब जो विशेष और बंद है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वह इन प्रकार के नियमों को बना सकता है। अर्थात पहला है कि वह प्रारूप तथा रीति जिसमें वह कालावधि जिसके भीतर भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन किया जाना है, मतलब वो ये नियम बना सकता है कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन कितने टाइम के अंतर्गत कहाँ कैसे करना चाहिए, उस संबंध में वह नियम बना सकता है। दूसरा बताया गया है वह रीति जिसमें कोई भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जाँच करेगा, मतलब आवेदन कब तक करना है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को, इस बारे में भी नियम बना सकता है। और भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जाँच कब तक करेगा, कैसी रीति से करेगा, तो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी वह रीति जिसमें कोई भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच कर सकेगा, मतलब रीति बताएगा कि इस रीति के अनुसार भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी है जो RCA है वह जांच करेगा। और तीसरा बताया है सिविल न्यायालय की बेशक्तियाँ जो किसी भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी में निहित की जा सकती हैं, मतलब यहाँ पर क्या है कि सिविल न्यायालय की शक्ति को भी राज्य सरकार RCA को प्रदान कर सकती है। और इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामीली, मतलब जो सूचना दी जाएगी इस अधिनियम के अधीन, ठीक है, 1961 एमपी अकोमोडेशन एक्ट के तहत यदि कोई सूचना दी जाएगी तो वो कैसे दी जाएगी, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाए, मतलब कोई अन्य विषय है जो उसे लगता है जो सही है जो बताया जाए तो उसके लिए भी वह नियम बना सकती है। फिर से देखते हैं कि नियम बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लिए नियम बना सकती है, और जब वह नियम बना सकती है तो ये 3 के तहत उसे कहाँ रखेगी, विधानसभा के पटल पर रखेगी। अब यहाँ पर ये बताता है कि विशिष्टता पूर्वगामी, मतलब कोई विशेष उपबंध है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब उन जो बातें बताई गई हैं विशिष्टता कोई बातें बताई गई हैं तो वो बातें रहेंगी, उनके ऊपर ये अधिभावी नहीं होगी, वही बातें रहेंगी तो उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्या करेगी कि वह कोई ऐसी कालावधि जिसके भीतर मतलब RCA को कब तक आवेदन किया जा सकता है उसके लिए विधि बना सकती है। दूसरा बनाता है कि RCA किस प्रकार किस रीति से जांच करेगा तो वह उसके लिए भी नियम बना सकती है। तीसरा है कि सिविल न्यायालय की शक्ति RCA को देना है तो उसके बारे में भी यहाँ पर नियम बना सकेगी। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि सूचनाओं की तामीली इस अधिनियम के अंतर्गत कैसे की जाएगी, मतलब जो सूचना है वो कैसे दी जाएंगी, तो इसके लिए भी नियम बना सकता है। और अगला बताता है कि कोई अन्य विषय जो है वो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या किया जाए तो उस बारे में भी वह नियम बना सकती है जो राज्य सरकार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।